लच्छा जलेबी। ये हमने तैयार किया है मैदा, कंसिस्टेंसी देख लीजिए कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा बनना चाहिए। करारी करने के लिए हम इसमें डालते हैं ये हाइड्रो, चुटकी भर डालना पड़ता है और इसे एकदम करारी तरह की बनती है। ये हमने टीम का डब्बा लिया, इसमें इस तरह से छेद कर दिया। अब इसमें हम बैटर भर के फिर इसकी जलेबी बनाएंगे। ऐसे इसको पलट लें 5 मिनट बाद। तो तैयार हो गई है, लाल सुनहरी हो गई है, इसको चाशनी में डालते हैं। ऐसे दबा दिया। इसको हम सर्व कर सकते हैं दही या रबड़ी के साथ। लच्छा जलेबी।